फ्लाइट है 6 बजे की, बॉम्बे से पटना आती है वो 9 बजे खुलती है और 9 बजे 12 बजे मुझे एयरपोर्ट छोड़ती है कलकत्ता। मैं कहाँ से दोषी हूँ भाई, और ना ही उसमें काजल रघवानी दोषी है और ना ही हमारे भाई यश मिश्रा दोषी है। चला गया, नेटवर्क नहीं है क्या? इधर आ जाओ और करीब आ जाओ। क्या बोलिए ना, बोलते रहिए ना, अभी आते हैं सब तो करेंगे। नहीं, वो जाएगा। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग अभी समस्तीपुर के लिए निकले हैं। आज पटना में 19 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, चाहे मुंबई से, चाहे दिल्ली से, चाहे भारत के किसी भी कोने से, पटना में कोई भी फ्लाइट आज लैंड नहीं की है। अब चूंकि खेसारी जी का हम लोगों का सबका शो था समस्तीपुर में, जो है अभी चल रहा है, उस शो को करने के लिए आप खुद सोचें कि हम लोग बाई रोड कितना बड़ा रिस्क लेकर के आ रहे हैं। 550 किलोमीटर हम लोग बाई रोड आ रहे हैं, कोहरा इस कदर है कि सिर्फ 10 की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है। हम 12 बजे से निकले हैं, सॉरी 2 बजे से निकले हैं हम कलकत्ता से समस्तीपुर के लिए। और समस्तीपुर के जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, जो आप लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया ना करें। और देखिए, मैं ईश्वर है सबके लिए, और मेरा जहाँ तक मानना है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लगता है से आपने 500 रुपये के 1000 रुपये की टिकट ली है, लेकिन कि वो किसी की जान से बढ़ के नहीं होती है। 1000 रुपये हमारे लिए खिसारी के जान की कीमत 1000 रुपये नहीं हो सकती, आपकी जान की कीमत 1000 रुपये नहीं है। मेरे जहाँ तक कहना है कि जब कोई व्यवस्था हमें लेकर वहाँ तक जा ही नहीं सकती, तो मैं भगवान तो हूँ नहीं, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा रिस्क लिया इस धरती पे, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी, कोई स्टार ऐसा होता जो कि यश मिश्रा जैसा, काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव जैसा रिस्क लेता। 2 बजे से हम सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए हम आ रहे हैं, ताकि मैं चाहे 1 बजे पहुंचूं या 12 बजे पहुंचूं या 2 बजे पहुंचूं, मैं अपने भाइयों से मिल सकूं, मैं अपने भाइयों का आशीर्वाद ले सकूं। इसमें मैं कहां से दोषी हूं? दुनिया का कोई भी स्टार होता तो कलकत्ता से बाय रोड आप सबसे मिलने के लिए नहीं आता। हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आपको विश्वास हो कि नहीं, देखिए हमारी जुबान जो भी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पंछी हूं जो मैं उड़ के आ जाऊं आपके पास। अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप क्या करते, आप खुद सोचिए। आपको लगता है कि आपने 500 रुपये की टिकट या 1000 रुपये की टिकट लिया है तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भैया मेरे भाई, आपने जीवन दिया है और किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं जान देकर भी आऊं तो शायद मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गाड़ी एक कदम तक नहीं चल पा रही है मेरी। कोहरा इतना ज्यादा है कि इसमें अगर आप होते मेरे जगह पे, यश मिश्रा या काजल रघवानी के जगह पे अगर आप होते तो क्या करते। हम लोग क्या करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और 550-600 किलोमीटर हम 2 बजे से चले हैं, गाड़ी भगा भगा के अपने जान पे रिस्क लेकर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत के लिए अगर मैं अपनी जान पे जान की बाजी लगा सकता हूँ, यश मिश्रा काजल रघवानी जान की बाजी लगा सकती है, तो प्लीज आप लोग कुछ ऐसा मत करिए। 500 रुपये और 1000 रुपये आपकी जान की कीमत नहीं हो सकती, नहीं खेसारी लाल यादव की जान की कीमत है। आप लोगों ने जीवन दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? जब कोई साधन नहीं होगा आने के लिए तो मेरी जगह पे आप आकर देखिए आप क्या करेंगे। आप लोगों को हम सामने का रोड दिखा रहे हैं, देखिए ये है सामने का रोड, देखिए दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कोहरा है। तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को समझना चाहिए कि देखिए आपके 1000 रुपये और 500 की बात नहीं है, किसी की जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं कहाँ चलाऊं गाड़ी जब रोड ही नहीं दिखाई देगा, तो मैं कहीं उलट जाऊं, पलट जाऊं। अगर आप चाहते हैं कि खेसारी की जीवन अंत हो जाए तो आप लोग खुद बोलिए कि नहीं खेसारी तुम अपना जान देकर हमारे पास आओ। लेकिन अगर जान देकर भी मैं पहुंच सकता हूं तो आप बताइए, अगर जान देकर कैसे पहुंचूंगा मैं, जान तो यहीं पे छोड़ूंगा, 150 किलोमीटर दूर हूं मैं। ये बताइए कि अगर कोई साधन ही नहीं है तो मेरे जैसा आदमी या दुनिया के कोई भी स्टार क्या कर सकता है।
और हम लोगों ने कलकत्ता से हेलीकॉप्टर भी लेने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर भी हमको उपलब्ध नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोहरा बहुत ज्यादा है। सबने मना कर दिया, मैं हेलीकॉप्टर, हम और यश जी, काजल, रघवानी जी, सबने सोचा कि हेलीकॉप्टर लेकर हम डायरेक्ट जहाँ पे शो है वहाँ। अगर ये बताइए कि अगर आप लोग को लगता होगा कि नहीं खेसारी को फर्जी काम है, तो मैं बाय रोड आने की हमारी क्या जरूरत थी? बाय रोड ये अपने शूटिंग कर रहे थे बेचारे, रायपुर से आए हैं, काजल रघवानी अपनी शूटिंग कर रही थी, ये छोड़ के आई है, मैं अपनी शूटिंग कर रहा था, मैं छोड़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत है तभी हम बाय रोड आ रहे हैं, कि चाहे हम 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, 5 बजे पहुंचे, सिर्फ आपका चरण छू के आशीर्वाद ले लें, क्योंकि आप लोगों ने जीवन दिया है हम सब स्टारों को, तो बस इसीलिए तो प्लीज आप लोग को तो इतना अपने स्टार की कदर तो करना ही चाहिए कि नहीं, आप लोग प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए जिससे। और जो लोग भी कुर्सी तोड़ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, भैया आप लोग बिहार के ही हैं, आप लोग बिहार में इस समय कोहरे की क्या स्थिति है, तौलो मर्दबा, सवेरे उठे ला जाते मर्दबा, मर मैदान जाए खातिर भी रास्ता ना दी लौकेला, हमन के तक गाड़ी लेके निकलल बनी जा, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए ऑर्गेनाइजर के लिए या किसी के लिए, मैं भी, खेसारी भाई भी, काजल भी, हम लोग बस रास्ते में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सबके बीच में आए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आ रहे हैं नए साल में। ए पगले, नए साल में कुछ ऐसा मत करो यार, आप लोग मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो यार, नए साल में प्लीज ऐसा मत करो कुछ, हमारी वो दोष नहीं है, वो प्राकृतिक का है, और भगवान से बढ़कर इस धरती पे ना आप हो ना हम है, और ना ही यश मिश्र, ना ही काजल रघवानी, तो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रकोप होता है जो कि आज दिख रहा है, आप लोग खुद बाहर निकल के देखो कोहरा कितना है, हम इंसान है और फ्लाइट सारी रद्द है, तो हम 2 दिन पहले तो किसी शो के लिए नहीं आ सकते ना, हमें थोड़ी पता था जब फ्लाइटें सब रद्द हो जाएगी, या आप मेरे जगह पे होते तो क्या करते, आप खुद सोचिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो हम जिस दिन पड़े, जबकि मैं 6 बजे सुबह की फ्लाइट लिया हूँ, और कोई 6 बजे, मैं 11 बजे की फ्लाइट ले सकता था, लेकिन 6 बजे के इसलिए लिया ताकि मैं आप तक पहले पहुँच जाऊँ, उसके बावजूद भी 6 बजे वाली फ्लाइट 9 बजे वहां से टेकअप की है, और 12 बजे आकर मुझे उसने उतारा है कलकत्ता, और उसके बाद सारी फ्लाइट रद्द है, 19 फ्लाइटें रद्द है कलकत्ता से पटना की, या हर जगह से कलकत्ता पटना की, मैं उसमें कहां से दोषी हूं, और ना ही ऑर्गेनाइजर दोषी है बेचारा, उसने हर वो चीज किया है, मेरा टिकट कराया, यश मिश्रा का, काजल रघवानी जी का, उन्होंने टिकट कराया, लेकिन प्राकृतिक से बढ़कर ना हम है, ना आप है, ना ऑर्गेनाइजर है, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि प्राकृतिक से खिलवाड़ ना ही आप करिए ना हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में पहुंच जाए, अभी भी हम 100 से 150 किलोमीटर दूर है, हम लोग करीब 120 किलोमीटर दूर ही है, दूर है, अगर वेट कर सकते हैं तो करिए, हम आपके बीच में आ रहे हैं, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, कुर्सी मत तोड़िए, किसी का नुकसान करने से आपका पैसा तो नहीं आएगा और नहीं खेसारी आ जाएगा, हम लोग वादा करते हैं, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं, तब तक बाकी के कलाकारों के साथ आप लोग मनोरंजन का मजा लीजिए, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी आएंगे हम लोग पक्का, ये हम सबका आप सबसे वादा है। थैंक यू सो मच।